वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है? सुबह सुबह तो सब क्या बहुत ही बड़ी होंगे और सारे साथ अपने घर पे आराम से बैठे होंगे और मजे में होंगे। सुबह सीन कुछ ऐसा था कि सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रेकफास्ट करा, यानी कि आलू को पराठे मंगाए थे और चाय मंगवाई थी, फटाफट से वो खा लिए। दिखाया नहीं कि भाई नींद में था, मेरी आंखें खुली थी, बट मैंने कहा कुछ मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने उसके बाद लॉन्ग जो है थोड़ा सा ले लिया एंड राजा को स्कूल पर छोड़ के आ चुका हूँ। यहाँ से बस 2 मिनट की वॉकिंग पर ही राजा का स्कूल है जहाँ पे उसका पेपर होना था एंड वो कोई कोर्स कर रहा है एंड ये अलग से एक कोर्स कर रहा है वो, जो कि बहुत ही अच्छा कोर्स है। तो उसका जो है एग्जाम देने के लिए आए थे हम यहाँ पे, तो एग्जाम के लिए उसको मैंने मतलब मेन हमारा जो मकसद था फोकस था वो एग्जाम है, तो एग्जाम के लिए हम आए थे, तो एग्जाम के लिए उसको स्कूल पे छोड़ के आ चुका हूँ। सुबह सुबह छोड़ के वापस घर पे आ गया था कि वो एग्जाम दे रहा है और अभी कुछ 1 बजने वाला है और 1 बजे शायद उसका पेपर खत्म भी हो जाएगा। 10 बजे स्टार्ट था, 10, 11, 12 और 3 घंटे का पेपर होता है, तो 1 बजे वो फ्री हो जाएगा, 10 मिनट उसको आने में लगेंगे, तो मान लो 1:15 तक वो आ जाएगा मैक्सिमम यहाँ घर पे। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने फटाफट से व्लॉग को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट हो रहा है जो मैंने कल व्लॉग बनाया था। रात में नहीं डाल पाया गाइस क्योंकि यार बहुत ज़्यादा थक गया था। व्लॉग देखो आपको पता लग जाएगा, बहुत ज़्यादा नींद आने लगी थी क्योंकि हम भाई सोए नहीं थे ठीक से बिल्कुल भी, तो आते सो गए थे और ऐसे फैले थे कि बस फैली है आँख लग गई तगड़ी। सुबह सीधा उठे हम, मैं उठाऊँ भाई सीधा 9:30 बजे खाना खाने के लिए, नाश्ता राजा उठ गया था 8 बजे क्योंकि उसमें थोड़ी सी रिविजन वगैरह भी करनी थी। ठीक है, तो अभी यही अपना होटल है, होटल में रुके हुए हैं, होटल आपको दिखा दिया है, व्लॉग देख लेना, व्लॉग अपलोड हो चुका है, आप देख भी चुके होंगे। सो बस आज कुछ नहीं करना है, अभी मैं खाने जा रहा हूँ चिप्स का पैकेट, चिप्स का पैकेट खा के अपनी भूख थोड़ी सी मिटा लूँगा क्योंकि हल्की हल्की भूख लग रही है क्योंकि हल्की हल्की, और अभी दोपहर में कुछ खाएंगे बाहर से जाकर। तो राजा का वेट करते हैं, राजा को आन दो एंड तब तक के लिए लाइक ठोक दो फटाफट से जो भी अभी आया है नया चैनल पे, एंड जो पुराना है वो तो भाई कमेंट भी करके जाने नहीं, बनो थू तो बजा दूंगा। ये लो भाई लोग एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट होते अपलोड हो जाएगा, तो ऐसे लोग आ रहे हैं दबा के भाई लाइक करते रहो, प्यार दिखाओ भाई को यार, 5-6 लाख सब्सक्राइबर करा दो यार, ऐसे क्या शेयर करो मम्मी के फोन से, पापा के फोन से, भाई के फोन से, दीदी के फोन से, अपने फोन से और मेरे फोन से भी कर दो शेयर, नहीं मेरे से तो मैं कर सकता हूँ। कैसा गया भाई पेपर? बढ़िया, मस्त पास है, कितने नंबर का था? 45 पास। कितने कितने चाहिए पासिंग के लिए? 18 हाँ ज़्यादा आ जाएंगे, 30 तक तो आ ही जाएंगे नाम से। चलो फिर, तो भाई वापसी आ चुका है ये भी और अभी टाइम हो गया, कुछ मैंने कहा था ना सब 1 तक आ जाएगा और मैंने व्लॉग भी अपलोड कर दिया, लगभग आ जाएगा 2-3 सेकंड में, यानी कि 1:30 बजे तक आ गया होगा, इस टाइम अभी देख चुके आप। ठीक है, तो अभी चल रहे हैं कुछ खाने के लिए दोबारा और उसी ढाबे पे जाएंगे जहाँ पहले गए थे। ठीक है भाई, सोचा था होटल में खाएंगे लेकिन होटल वाले फ़ोन नहीं उठा रहे यार, मैंने 4-5 बारी करके देख लिया। हेलो भैया, आपने फ़ोन रखा और उठाने के लिए रखा गया, भूख लग रही है, फिर देखते हैं शाम को कहीं जाएंगे, मार्केट वगैरह घूमेंगे थोड़ा, अगर 1-1.5 घंटे तो ठीक है, तो पड़ेगा और बाकी मेरे को भी जॉब के इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, तो मैं वो यहीं करूँगा बैठ के आराम से, आराम से बैठ जाऊँगा मैं तो, प्रैक्टिस करूँगा भाई, मैं लास्ट वेकेशन, लास्ट संडे, डेली रूटीन ये सब रटना पड़ता है भाई इंटरव्यू में, ये सब पूछा जाता है आपको पता ही है। तो चलते हैं फटाफट से, हो गया भाई रेडी भाई, इसने पहन लिया अपना कोट पैंट, कोट पैंट पहन के रेडी हो चुका है ये, अब ले लो। चलो अब लखनऊ की लड़कियां बच के रहना जरा, आ रहे भाई हम, तो भाई अंधेरा कर दूं, अंधेरा कर दूं, कर दिया अंधेरा भाई, से चाबी निकाली तो लाइट अपना सब कुछ बंद हो जाएगा, बस पंखा चलता रहेगा, पंखा बंद कर देता हूँ, वीडियो अपलोड पे लगा दी है, पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ, पब्लिश भाई, लो भाई पंखा बंद कर दिया, चलते हैं भाई अब खाने, खड़ी खड़ी चढ़ाई पहाड़ पे, चढ़ने लगा था पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। रात में भी हम गए थे खाने यार, सुबह भी यहीं पे आ गए क्योंकि हमको ये ज़्यादा पता भी नहीं होटलों का, और ये भी अच्छा है खाना, खाया हमने बढ़िया खाना एंड सब कुछ ठीक था, बढ़िया मज़ा, बट होटल में खाने का मज़ा अलग होता है, अपने घर पे जहाँ पर भी होता है ना, आराम से फैल के खाते टेढ़े मेढ़े होके। लो भाई, कल भी दाल खाई थी लेकिन पीली वाली, आज खाइए काली वाली, ये बटर पीजिए सारा एक बारी में, और ये भी पनीर की भुजिया, पर ये लोग तड़पाते बहुत हैं ना भाई, पहले सलाद फिर रायता फिर सब्जी रोटी एंड में एकदम। सुबह से शाम तो हमारी ऐसी हो गई, बैठे बैठे मूवी वगैरह देखते रहे और रील्स चलाते रहे, और बाकी थोड़ा बहुत पढ़ भी रहा था यहाँ पे भी, तो अब हो गए शाम के 6:30 बज रहे हैं, तो अभी हम वहाँ पे हैं लखनऊ में बहराइच में, बहराइच जगह का नाम है, बहराइच बस अड्डे के पास,
तो यही होटल अपना, तो यहाँ से बाहर जा रहे हैं अब, थोड़ा मार्केट में कुछ खाएंगे पियेंगे और थोड़ा सा मार्केट घूमेंगे लखनऊ कैसी है, और बस बाहर गर्मी ना हो। वैसे गर्मी तो नहीं है, रात होने वाली है, मतलब अंधेरे साइड ही हो गया है, क्योंकि सुबह से एसी में बैठे हैं ना भाई, और गर्मी में बिल्कुल जाने का मतलब बिल्कुल जाने का मन कर ही नहीं रहा गर्मी में। चले भाई, आज तो नहाया है बेटा, लग रहा है बिल्कुल चमक रहा है। झूठ बोल रहा है, झूठी बातों में, झूठी बातों में विश्वास मत करना, गलत बात है। जो यश कह दे वो पत्थर की लकीर, जो राजा कह दे वो झूठ। अब मैं चाबी ढूंढ रहा हूँ, मेरे को लग रहा है मैं घर पे हूँ अपने, हमेशा घर पे हो तो चाबी लेके चलता हूँ, क्योंकि चाबी से गेट खुलता है नीचे, चाबी यहाँ पे है इसकी। तो भाई हमारे होटल के बगल में ना मॉल है, मॉल का नाम है सुमैया मॉल, ठीक है, तो अंदर जा रहे हैं घूमने ही, मॉल देखते हैं कैसा है। आजा आजा, डीसी की तरह है ये, डीसी की तरह है, जैसे दिल्ली में डीसी नहीं है, इसकी सेंटर वैसे ही है। वहाँ लोग आने, प्रिंटर वगैरह की, मोबाइल्स वगैरह की, यहाँ से बाहर है, एंट्री खत्म, आ जाओ वापस चले। सेम वैसे ही ऐसे डीसी है ना दिल्ली में, फ़ोन की शॉप्स हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा। ऊपर चल रहा है, ऊपर है मोबाइल की दुकान है भाई, ऊपर भी खाने पीने का लाइफ है। डी सी ऐसा ही है, बट डी सी से तो बहुत छोटा है ये, हमारे दिल्ली में जो डी सी है उसका एक चौथाई हिस्सा भी नहीं है, और यहाँ पर ज़्यादातर मोबाइल की शॉप्स हैं, और उसमें खाने पीने का बाहर ही देखना पड़ेगा हमको। ले ले भाई नया मोबाइल दिला दूँ, बता कौन सा चाहिए। बस भाई ऑफर था थोड़ी देर का, पहले बोल दो दिला देता। भाई तू तो कह रहा था रोल नहीं खाता भाई, जान लगे ना तू जा खाना के, कल कह रहा था रोल नहीं खाऊंगा, देर तक जाता है खाना खाने के बाद, कौन खा रहा है भाई, 6 बजे भूख लग जाती है ना। बन गया चार ही, बन गया भाई चिकन रोल, यस ब्रो। तो भाई यहाँ पे रोड पर हम जहाँ भी देख रहे हैं भाई, दिल्ली में सुट्टे भाई चलती थी, यहाँ पे चल रहा है भाई वो क्या कहते हैं इसको, पान, जहाँ भी देख रहे हैं सब पान पे पान खा रहे हैं भाई, और सूखे जा रहे हैं इधर उधर, पुलिस वालों से लेके और रेस्टोरेंट से लेके हर कोई। तेरे को भी खिला दो भाई पान, यहाँ पे कोई ना कोई फेमस पान वाला भी होगा पक्का, मतलब हद से ज़्यादा लोग जो भाई पानी खा रहे हैं इधर, और मोमडस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं इधर, बहुत ज़्यादा नवाबों के शहर में भाई घूमेंगे बाकी अभी। और यहाँ होटल के आसपास तो कुछ है नहीं ज़्यादा, तो हमने रोल खा लिया नीचे उतर के, अब कुछ और खाते हैं फिर घर जाएंगे अंदर। मार्केट के लिए हमको अलग से कहीं जाना पड़ेगा, वहाँ चलेंगे कौन सी मार्केट का, मैंने देखा था कुछ नाम था मार्केट का, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो है एक मार्केट बढ़िया सी, उस मार्केट में जाएंगे। तो यहाँ पे देखे भाई आपको रुक जाएगी, हमने मिल नहीं मिलता भाई, तो दिमाग खराब हो जाता है, रुकवा दिया मैंने। चलते हैं फलूदा खाएंगे, ठीक है भाई, फलूदा खा के फिर नमक पारे पैक करा के घर बैठ जाएंगे, घर पे खाएंगे और मूवी वगैरह देखेंगे आराम से, क्योंकि यार यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ से लखनऊ 100 किलोमीटर दूर है मेन, ठीक है। अभी हम आया बहराइच में, तो इस साइड ज़्यादा है नहीं घूमने का सीन, बट वहाँ पे बहुत कुछ है, जैसे कि वहाँ पे वो है क्या नाम है उसका, बड़ा इमामबाड़ा हो गया और ज़ू हो गया लखनऊ का, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उधर है यहाँ से 100 किलोमीटर दूर। फलूदा पैक करा रहे हैं, घर पे जाके खाएंगे ये से चला के आराम से, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ये कैक रोल खाने आए थे इतने में इतनी गर्मी लग गई, क्या बताऊँ तो हाँ। इसका स्कूल पड़ा है ना वहाँ पे, आसपास ज़्यादा कुछ है नहीं यार घूमने का, एक मार्केट है जिसपे हम कल से घूम रहे हैं, तो मैं देख रहे होंगे भटकते हुए हैं, तो वहीं पे है बस खाने पीने के लिए, मतलब ढाबे हो गए हैं, और बाकी सामान वामान जो मिलता है गांधी मार्केट थी सागरपुर में जहाँ रहते, मतलब वही अपना जैसे शनि बाजार है ना अपने उधर उत्तम नगर में, और वैसे ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इधर, तो वहीं जाएंगे जब 100 किलोमीटर दूर यहाँ से लखनऊ में मेन ना, तब घूम सकते हैं हम लखनऊ के मेट्रो में और लखनऊ के ज़ू में, और कौन सी जगह थी, इमामबाड़ा है, क्लॉक टावर है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो देखो अगर रहा किस्मत में तो वहाँ जाएंगे, तो वहाँ का ब्लॉग और ज़्यादा मज़ा आएगा बनाने में। तो वो तो यहीं पे ले रहा था पैक करा रहा था, नीचे ना एक डॉगी बैठा था, मैंने हल्का से उसको पैर लगा दिया तो उठ के इधर आ गया,
अभी तब से मुझे मजे ले जा रहा है पैर लगा लगा के, मेरे को लगा वापस से आ गया है ये घूम रहे पीछे दोनों चिंटू और बिंटू, मैंने वो परे भी लेगा अभी कम कर दियो तुम, आइसक्रीम निकल जाएगी हमारी इसके अंदर आइसक्रीम है। चल फटाफट चल भाई, भाई मजे ले रहा मैं, भाई मैं डर रहा हूँ मेरे को लोग कुत्ता काटने वाले, मेरे को लगा था मेरा पैर लग गया था वहाँ पे, वो बेचारा साइड में हो गया, ये चप्पल लगा रहा है अपनी धीरे धीरे चम्मच दे दी भाई पक्का देखा था चम्मच का ध्यान नहीं मेरे को, सोच ले भाई चप्पल फिर वापसी तू ही आएगा, चप्पल तो सही पहनी है क्या बोल रहा है पान करा ले आके फेमस पान खाइयो लाल दांत हो जाएंगे फिर सुखता आ गई हो क्या क्या ले रहा भाई नमस्कार और कर दी नहीं ठीक है बस भी इतना ही अपना होटल पीछे है भाई ये रहा भाई सब कुछ आसपास ही मिलेगा ज़्यादा दूर जा ही नहीं पाए घूम ही नहीं पाए ज़्यादा भाई ये हमारा फलूदा और ये राजे का फलूदा और चम्मच देखो भाई कैसे मिले यहाँ पे मतलब है प्लास्टिक की लेकिन लग रही है स्टील की है सिल्वर कलर में प्लास्टिक की है मूवी देखते देखते भाई ये मैं बाद में देखूँगा जब राजा पढ़ेगा और ये अभी जब ये पढ़ने रहा तो अभी वाली मूवी देख रहे हैं छोटे मियाँ बड़े मियाँ जो कि आ गई है खाते खाते नेटफ्लिक्स एंड चिल। क्या प्लान है भाई फिर अब खाने का? इतना कुछ तो खा के आ गए हम लोग, पारे भी लेकर आ गए, फलूदा पी लिया, अब हम सोच रहे थे मैगी खाएंगे तो मैगी के लिए ऑर्डर दे दिया 10 बजने वाले रात के। और भाई यहाँ पे भी लाइट चली गई है, पंखा तो चल रहा है, खैर एसी बंद हुआ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एसी हम पूरे टाइम चला रहे हैं दवा के, एक बार ही बंद नहीं करा हमने, ठंड लग रही तो कंबल ओढ़ रहे लेकिन एसी बंद नहीं होना चाहिए, पैसे दिए हैं बाकी घर में बैठे हुए हैं। दोबारा से किचन वाले कॉल कर दिया भैया को, अभी मैगी आएगी फिर मैगी खाएंगे, मैगी खाने के बाद सारे साथ रहते थे घर में चाचा ताऊ सब के सब, तो तब ये मेरे जैसे ही था मतलब था मेरे जैसे क्या मतलब है तो मेरी एज कही है, ज़्यादा छोटा नहीं है मेरे से, तब ये पढ़ता नहीं था ना उतना पढ़ता होगा अब ये नहीं पढ़ता अभी पढ़ता हूँ भाई ऐसी बात नहीं है खैर मतलब उस टाइम पे इसका चश्मा नहीं लगा हुआ था, बाकी सबके लग गया था घर में, शक्ल देख लो सुबह से नहाया नहीं है और मेरे को बोलता है मरते हैं भाई ये लोग इस शक्ल पे, एक ने तो जान दे दी थी भाई उसकी खबर नहीं है, पुलिस वाले से दबवा दिया मैंने, बड़ा आदमी हूँ ना मैं ज़्यादा, मेरा केस सामने नहीं आया, मजाक समझ रहे हो भाई तुम लोग भी, करो खबर निकालो पहले पता लगो फिर बात करना भाई। क्या कर रहा है भाई तू पबजी खेलेगा? पबजी लाइट ही नहीं है लाइट ही नहीं है, अब तुम बोलोगे वीडियो कितनी डालता डेली, लाइट ही नहीं है कैसे डालूँ डालता क्यों नहीं है लाइट ही नहीं है सोच रहा था नाऊंगा लेकिन लाइट ही नहीं है भाई थाली यहीं पे रखी हुई है यार उसकी प्लेट लेके नहीं गए भैया है ना पराठे के अभी तक बाहर रखनी होती है यार मतलब बाहर कहाँ रखते हैं आ जाते हैं अच्छा आइडिया नहीं था भाई मेरे को वैसे तो मैं होटलों में आता रहता हूँ बट आइडिया नहीं था मेरे को सच में अपनी मैगी आ गई भाई 80 मैगी खा के भाई ये तो लग रहा यार सिंगल ही मैगी है क्या भैया इसमें हैं कह रहा हूँ सिंगल मैगी है क्या एक में दो है ना वो भाई अपनी मैगी आ गई आजा भाई मैगी आ गई लाइट भी आ गई ने बोला ध्यान रखना एकदम तो भाई रात में आज हम यही खाने वाले हैं देखते हैं भाई क्या है इसमें यार दो मैगी कहाँ से लग रही है ये बता तुझे लग रही है सिंगल ही तो है गहरा कितना ही गहरी होगी ये